दोस्तों, चलिए आप लोगों को ऐसे जगह ले करके चलती हूँ ना कि आपका मन एकदम झूम उठेगा, एकदम आप खुश हो जाएंगे। ये शाम के 6 बज रहा है, हम लोग निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं, मेरे मम्मी पापा थे, मेरे बच्चे थे, मेरे पति देव थे, और चलते जा रहे हैं लोग। हम लोग इधर गोरखपुर के रास्ते में पड़ता है चौरी चौरा, उसी के आसपास एक ढाबा है जहाँ पे लहसुन छोला समोसा मिलता है, बहुत ही प्रसिद्ध ढाबा है और काफ़ी टेस्टी होता है। और हम आपको जहाँ लेके चल रहे हैं ना, वहाँ आप जाकर के एकदम ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे। तो चलिए मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ मैं कहाँ लेकर के आपको जा रही हूँ। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है, मैं खुद ही पहली बार उस जगह पे जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये देखिए, ये छोला समोसा आप खा लेंगे ना तो आप सारे दुनिया का डिश जो है ना सब भूल जाएंगे, इतना काफ़ी टेस्टी ये था। हम लोग भी सोचे चलो रास्ते में रुक करके खा लेते हैं, सुबह तो हम लोग पहुँच कर गंगा जी में स्नान करेंगे तो फ्रेश हो ही जाएंगे। तो इसलिए हम लोग शाम के 8 बज गया था, हम घर से निकले हैं 6 बजे, उस जगह पे जाते जाते 8 बज गया। अब हम चलते वहाँ से फिर गाड़ी में बैठे हैं, फिर निकले हैं हम यहाँ अवधेश ढाबा। अवधेश ढाबा ये है अयोध्या में, अयोध्या के थोड़े दूर पहले है ये। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ये ढाबा है, यहाँ पर भी खाना बहुत ही मस्त मिलता है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी होती है। तो हम लोग वहाँ पर भी खाना खा लिए हैं और खा करके बैठ चुके हैं फिर से गाड़ी में। अब हम आ गए हैं अयोध्या। अयोध्या नाम सुनकर कितना अच्छा लगा है ना, ये राम का राज्य है, कितना बढ़िया देख कर के मेरे दिल को तो बहुत ही ज़्यादा ठंडक हुई थी, बहुत ज़्यादा मैं खुश हुई थी। तो मुझे लगा आप लोग को भी घुमा दूँ। ये देखिए अयोध्या का जो रोड है ना, इतना प्यारा है, इतना सुंदर, यहाँ पे सूर्य भगवान जैसे निकलते हैं उस तरीके से ये सजावट है, इतना ज़्यादा खुशी हुई है ना, मुझे तो लग रहा था मैं खुद ही राम से मिल ली हूँ। ये है लता मंगेशकर चौक, यहाँ पे है सितार लगा हुआ है बड़ा सा, ये बहुत ही मज़ेदार ये है, ये लता मंगेशकर का नाम से बनाया गया है। और हम अब लोग 1 बजे रात को, करीब 12 बजे रात को अयोध्या में पहुँचे, 1 घंटा लगा, हम लोग रूम खोजे वहाँ पे, 2-4 घंटा आराम किए, फिर हम लोग 5 बजे भोर में निकले। अब चल दिए हम लोग सरजू जी, यहाँ सरजू जी मेरे मम्मी है, पापा है, मम्मी को चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हम लोग को लगा कि चलो उनको भी राम जी का दर्शन करवा ही दिया जाए। तो हम लोग जा रहे हैं सरजू जी में नहाने, वहाँ पे भी भीड़ बहुत अच्छा खासा था, यहाँ ये सब बैठे थे मांगने वाले सब, और बहुत मज़ा आया, हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय किए, यहाँ पे स्नान किए, नहा धो कर के मस्त वहाँ पे हम लोग रेडी हुए। तो अभी तो मैं चल रही हूँ, आपसे आपको भी गंगा जी क्या बोलते हैं सरजू जी से मिलवा लेते हैं, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे है। अयोध्या जी आपके पास थोड़ा टाइम मिले तो आप अयोध्या जी जरूर जाइए, आपका मन का इतना ज़्यादा शांति मिलेगा ना, मुझे जैसे हुआ वो हम अपना फीलिंग जो मेरे साथ हुआ है ना वही हम आप लोग से भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सभी को स्नान करने के लिए इतना अच्छा व्यवस्था है ना, वो जो घेरा देख रहे हैं ना, उस घेरे के बाहर वही 2-4 लोग जो बड़े जेंट्स लोग हैं वही गए थे लोग नहाने, और बाकी लोग के लिए घेरा के इधर ही व्यवस्था बनाया गया था। यहाँ पे गौ माता की पूजा भी हो रही थी, स्नान करके सरजू जी में पूजा हो रहा था। और ये देखिए हम लोग भी बहुत ही मस्त इंजॉय किए, स्नान किए तो करीब घंटों भर तक हम लोग स्नान किए थे उसमें, पूरा अच्छे से इंजॉय किए हैं लोग। यहाँ नहा धोकर हम लोग बढ़िया से रेडी हो चुके हैं अपना, मुझे बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा था कि हम भगवा कलर के ही कपड़ा पहनेंगे वहाँ पे जाएंगे। तो हम लोग नहा धोकर के वही भगवा कलर, मेरी बेटी पीला कलर के पहनी थी, हम लोग एकदम बढ़िया से रेडी हो गए, मेरे मम्मी पापा, मेरे पति देव, मेरे बच्चे, मैं अच्छे से। अब हम लोग वहाँ से चरपहिया नहीं जाता है तो वहाँ पार्किंग में चरपहिया लग गया है, अब हम लोग ई रिक्शे में बैठ गए हैं, वहाँ बस भी चलता है पर ई रिक्शा में इसलिए बैठे ना, मेरे मम्मी हैं उनको भीड़ भाड़ में खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनके घुटने में काफ़ी दिक्कतें हैं, तो इसलिए हम लोग ई रिक्शे से जा रहे हैं। आप ये पूरे अयोध्या के दर्शन मैं आपको करवा रही हूँ, अगर मेरी ये अयोध्या का दर्शन आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए मेरा छोटा बेटा है ना, वो भी कह रहा था नहीं मम्मी मैं भी भगवा कलर ही कपड़ा पहनूंगा, तो मैं कुर्ता पजामा था उसके पास वही पहना है,
ये देखिए अयोध्या का नक्शा ही एकदम चेंज हो रहा है, सारे चारों तरफ काम हो रहा है, मिस्त्री लगे पड़े हैं, और इधर हम लोग अब पैदल जा रहे हैं। मेरे मम्मी के लिए हम व्हील चेयर करवा दिए थे, प्राइवेट वाला व्हील चेयर का व्यवस्था बहुत ही परफेक्ट है। अब हम लोग आ चुके हैं अयोध्या राम मंदिर, वहाँ पे कुछ दूर पैदल चल के जाना होता है, तो हम लोग तो खैर पैदल थे, पर अपने मम्मी के लिए हम कर दिए थे व्हील चेयर। व्हील चेयर से आराम से, ये प्राइवेट व्हील चेयर। फिर जाके हम लोग राम जी के मंदिर में आ गए अंदर, तो राम मंदिर अंदर एकदम जा करके जो मेन वाले राम मंदिर है ना, वहाँ पे मोबाइल जमा हो जाता है, नहीं लेके जाया जाता है। पर जो ये थोड़ा थोड़ा बाहर का सीन था, वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिए हैं, पर राम जी का दर्शन करके ना मुझे तो बहुत ही सुकून मिला था। मुझे तो लग रहा था ना कि जिस जमाने में राम भगवान का ये सब था ना, वहीं पे मैं पहुंच गई हूँ, इतना अच्छा लगा था। और वहाँ पे ये देसी घी का लड्डू और पेड़ा एकदम फेमस है। और यहाँ पे अब हम लोग राम मंदिर का दर्शन करके फिर से वापस आ चुके हैं, और ये देखिए लड्डू और पेड़ा, ये प्रसाद में, राम जी के मंदिर में तो प्रसाद कोई चढ़ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को लेके जाना है, पर ये प्रसाद जो है ना हनुमानगढ़ी मंदिर में चढ़ता है हनुमान जी का, तो हम लोग भी कुछ प्रसाद ले लिए हैं। मेरे मम्मी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था चलने में, तो इसलिए बहुत सारा हम लोग मार्केट बाज़ार तो नहीं कर पाए हैं लोग, क्योंकि वो चल नहीं पाती हैं, व्हील चेयर तो हर जगह जाएगा नहीं, तो मम्मी को हम बैठा दिए थे। ये हनुमानगढ़ी मंदिर है, इसमें बहुत ही काफ़ी भीड़ था, और सीढ़ी से चढ़ के जाना है, थोड़ा ऊपर है ये मंदिर, तो इसलिए हम मम्मी को लेकर भी नहीं गए हैं, उनको नीचे ही बैठा दिए थे, बोले यहीं से आप भगवान का अंतर ध्यान करके दर्शन कर लीजिए, और हम लोग जा रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, उसमें बहुत ही मुश्किल से थोड़ा बहुत वीडियो हम ले लिए हैं, तो आप लोग को भी दिखा रहे हैं। ये देखिए हम हनुमान जी का एकदम ऊपर जा चुके हैं मंदिर के पास, और वहाँ पे भीड़ देख सकते हैं आप, कैसे मोबाइल उठा उठा कर लोग ले रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल जमा नहीं हो रहा है, तो यहाँ टीवी लगा हुआ है बड़ा सा ना, उसी में हनुमान जी दिख रहे हैं, पर हम आप लोगों को रियल में दर्शन करवाएंगे हनुमान जी के। राम जी का दर्शन इसलिए नहीं मिल पाता है ना कि वहाँ मोबाइल जमा हो जाता है, अंदर ले नहीं जा सकता है, पर आपको हम रियल में हनुमान जी का दर्शन, अगर आप हनुमान जी का दर्शन कर लेंगे ना हनुमानगढ़ी भगवान का, तो आप समझिए कि राम का दर्शन कर चुके हैं। ये देखिए एक झलक हनुमान जी का आप दर्शन आपको दिखा रहे हैं ना, आपको कितना खुशी हुई होगी आप बता नहीं सकते हैं। यहाँ नरसिंह भगवान हैं, इनका भी दर्शन मैं करवा रही हूँ आपको, ये हनुमानगढ़ी मंदिर में ही हैं। हम लोग तो बहुत मुश्किल से हनुमान जी का दर्शन एकदम बढ़िया तरीके से किए हैं, और ये सारे देवी देवता हैं लोग, उन लोगों को भी आप दर्शन कर लीजिए, बहुत ही खुशी होगा। और धूप की वजह से हम लोग का चेहरा और शरीर तो एकदम ही कलर वो हो गया था, इतना ज़्यादा उदास हो गए थे लोग चेहरे धूप की वजह से। वहाँ पर अच्छे से दर्शन हम लोग का हो चुका है, और आपको ये अयोध्या का दर्शन करवा रहे हैं ना, अयोध्या का दर्शन एक झलक मिल जाए ना तो आप धन्य हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचे थे कुछ मार्केटिंग कर लूँ, पर नहीं कर पाई थी, एक हाथ में लेकर के कंगन देख रही थी पर खरीद नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे मम्मी खड़ा हो नहीं पा रही थी, तो एक कंगन ले लिए हैं निशानी के तौर पे वहाँ का, जैसे तैसे वही 50 रुपया के करीब में, बाकी कुछ नहीं खरीद पाई थी। और मेरे पापा हैं ना, उनको भी दवा एकदम टाइम से लेना होता है। ये है कनक भवन, यहाँ पर भी हम लोग गए थे, मम्मी पापा को बैठा दिए थे गाड़ी में, और बोले कि भाई आप लोग आराम कीजिए, एसी चलवा देते हैं, वो लोग आराम कर रहे थे पार्किंग में, और हम लोग आए थे, हमारे बच्चे और हमारे पतिदेव और हम, वहाँ पे गए तो वहाँ बंद था, 4 बजे शाम को खुलता है, हम लोग 2 बजे के करीब में गए थे वहाँ, तो बाहर का ही दर्शन मिला है। और उसी के पास ये दुकानें हैं जहाँ पीतल का और तांबा का सब देवी देवता बर्तन सब कुछ मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत एक झलक देखे हैं हम भी, कुछ लिए तो नहीं है खास, एक राम जी का छोटा सा मंदिर लिए हैं, एकदम छोटा सा। आइए देखिए रामलला हैं, रामलला हम इसलिए लेकर के नहीं आए हैं ना, उनका सेवा एकदम अच्छे से होना चाहिए, जो मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है तो हम मन में ही रामलला के वो कर लेते हैं। और फिर से हम लोग आए हैं लता मंगेशकर चौक, यहीं से जाता है सरजू जी का, जो नया घाट के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए यहाँ इतना सुंदर ये नज़ारा है ना कि मैं